प्रणय, जिस तरह से जेके त्रिपाठी जी ने सीआईए का जिक्र किया, अगर ये देखा जाए कि यूक्रेन इस हमले के पीछे है, जिस तरह से कहा जा रहा है अलग अलग थ्योरीज में, क्या यूक्रेन इतना बड़ा हमला अकेले कर पाने में सक्षम है और सीआईए की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, ये बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ये पर्दे के पीछे चलने वाला ऐसा काला कारोबार है जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी की बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया में होती हैं, चाहे सीआईए हो, चाहे सोवियत संघ की पुरानी केजीबी हो या अब जो एफएसबी हो। और पुतिन, आपको खुद को पता है कि पुतिन जो है केजीबी एजेंट रह चुके हैं। वो उस समय जर्मनी में तैनात थे जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की दीवार टूटी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उनके आसपास का तंत्र जो है वो सुरक्षा को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर इतना चाक चौबंद रहता है। तो ऐसे में इस तरीके की घटना हो जाना निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल तो खड़े करता ही है, कहीं ना कहीं चूक भी दिखाता है। लेकिन इस तरीके की घटना को अगर अंजाम किया दिया जाता है, यानी अगर मॉस्को के अंदर, रूस की राजधानी के अंदर, इस तरीके से अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं राष्ट्रपति पुतिन के, उनके परिवार को निशाना बनाया जाता है, कार धमाका किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से एक पैठ जरूर बनी है। पर यूक्रेन का जहां तक सवाल है, यूक्रेन के अकेले दम पर इस तरीके के करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में भाषा की काफी समानताएं हैं। एक समय पहले तक, यानी कहा जाए कि 1991 तक तो दोनों एक ही देश थे और सोवियत संघ का ही हिस्सा यूक्रेन भी था। तो ऐसे में जो पैट कही जा सकती है, उसके अपने नेटवर्क हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी बहुत सारा एक तबका है जो कि राष्ट्रपति पुतिन को नापसंद भी करता है रूस के अंदर, उनके अपने विरोधी भी हैं। तो इसमें किसने इसको अंजाम दिया, किसके सहारे अंजाम दिया, ये सारी चीज़ें जाँच के दायरे के अंदर है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसके बाद जाहिर तौर पर एक व्यापक सिक्योरिटी रिव्यू ज़रूर होगा, रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा का रिव्यू कहा जाए और साथ ही उनके जो अहम करीबी हैं उनकी सुरक्षा का रिव्यू किया जाए। और साथ ही इस चीज की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस इस तरीके के पॉलिटिकल असैसिनेशन का जवाब जरूर देगा। अब ये देखना होगा कि पॉलिटिकल असैसिनेशन कहां होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया है, चाहे बोरिस नेमत्सेव का मामला हो जो कि पुतिन के आलोचक थे, उनकी हत्या का मामला हो, या इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर माना जाता रहा है कि रूस के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशन होते हैं, और केवल रूस में ही नहीं, रूस में जो रूसी सत्ता है उसके विरोधियों का जो पॉलिटिकल असैसिनेशन है वो दूसरी जगह भी होता है। यानी रूस ये कैपेबिलिटी भी रखता है कि वो पॉलिटिकल असैसिनेशंस को अगर अंजाम देना चाहता है तो वो दूसरी जगहों पर भी अंजाम दे सकता है। और आशंका इस बात को लेकर और मजबूत हो गई है कि इस धमाके के बाद रूस शांत नहीं बैठेगा और उसकी तरफ से रिटेलिएशन होगा, तो कह सकते हैं खूनी घटनाओं का यह सिलसिला और तेज हो सकता है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।